जुमा को बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का तीसरा दिन था और तीसरा दिन केमिस्ट्री परीक्षा देकर पहली पाली में निकले छात्रों के चेहरे खिले दिखे। अगर प्रश्न पत्र की बात करें, शिक्षक से लेकर छात्रों तक का दावा है कि इस बार बोर्ड ने कई सालों के बाद अपने प्रश्न पत्र के पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया, इसलिए वैसे छात्र जो पुराने ढेरों के भरोसे थे उन्हें निराशा हाथ लगी। हालांकि अधिकांश छात्र जो कम से कम पढ़ाई करके भी परीक्षा केंद्र पहुंचे थे उन्हें 70 में से 55 से अधिक अंक मिलने का अनुमान है। एग्जाम बहुत अच्छा गया। कौन कौन सा चैप्टर था जो सबसे आपको अच्छा लगा होगा? उसमें तो ऑल चैप्टर से पूछा गया था, बट ऑर्गेनिक तो जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें ऑर्गेनिक बहुत कम था, लेकिन फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन आया था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब ठीक ही था। अच्छा, अगर आपको कहना हो कि सवाल मुश्किल था, भारी था या बहुत भारी था या बहुत आसान था, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बहुत आसान है, वो पढ़ने के ऊपर डिपेंड है। अगर बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा तो बना होगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं बना होगा। देखिए, मैंने जो प्रिपेयर था इसके लिए बहुत अच्छा गया एग्जाम, लिटरली जो मैंने एक्सेप्ट किया था हाँ वैसा ही गया, मतलब 70 में 60 प्लस होने चाहिए मेरे। 70 में 60 प्लस हाँ मेरा इतना अच्छा गया। अगर इस बार बोला जाए कि केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, उसमें कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया? देखिए, ऐसा लगा कि ऑर्गेनिक पार्ट से ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। हाँ, मैंने चैप्टर पे ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं कि लोग अपने जो इजी लगा वो बनाते जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑर्गेनिक पार्ट से ज्यादा देखा कि ज्यादा थे, सब सही था वैसे। आज केमिस्ट्री की परीक्षा थी। हाँ जी हाँ। जैसा तैयारी किया था क्या वैसा क्वेश्चन आया? हाँ आया, एकदम आया। कितना क्या लगता है 70 में कितने मार्क्स आ जाएंगे? 65 प्लस। अच्छा, अगर पिछले वर्ष की बात करें तो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ, क्या लगता है कि पैटर्न चेंज होने की वजह से बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आई होगी? नहीं, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आई होगी, मतलब बस तैयारी कीजिए और मतलब बुक अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पैटर्न पर डिपेंड नहीं करता। चलिए बताइए कि आपका क्वेश्चन दो डिवाइड था, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में, तो क्या लगता है कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ था या ईजी था? सारा इजी था। ऑब्जेक्टिव भी इजी था, सब्जेक्टिव भी इजी था। चलिए, आपका नाम? वासव। किस कॉलेज से हैं? CM साइंस। कौन कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगा आपको जवाब देने को, जो आसान लगा सबसे पहले बनाया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव में वही जैसे 35 है उसमें से 30 आ सकते हैं। तो जैसे कि पिछले वर्ष पैटर्न कुछ अलग था एग्जामिनेशन का, इस बार पैटर्न कुछ चेंज किया बिहार बोर्ड ने अपने एग्जाम लेने का, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मतलब पिछले बार का जो क्वेश्चन था वो रिपीटेड भी आता था, इस बार रिपीटेड बहुत कम था। बहुत कम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था, बहुत कम था। कौन सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर अंक बनाएंगे आप? अभी तक तो दो ही सब्जेक्ट का हुआ, तो फिजिक्स ज्यादा है। आपको केमिस्ट्री में से सबसे ज्यादा किस चैप्टर से सवाल पूछा गया था? ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या लगता है उसके कितने प्रश्न आए थे? नहीं, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा ऑर्गेनिक था, लेकिन इसमें जो सब्जेक्टिव में 3 होता। चलिए ठीक है, ये बताइए कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सही था? 2 मार्क्स वाले भी और 5 मार्क्स वाले भी इजी थे। दोनों में कौन इजी थे? 2 मार्क्स वाले ज्यादा इजी। मेरा नाम कुमारी अंजलि। कौन से कॉलेज है? CM साइंस कॉलेज। आपका? प्रिया राज। कौन से कॉलेज है? CM साइंस। सही गया, और क्वेश्चन भी एवरेज ही था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। मतलब सब्जेक्टिव ज्यादा इजी था कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा इजी था? सब्जेक्टिव ज्यादा इजी था, वो भी 5 मार्क्स का ज्यादा इजी था। ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स ज्यादा इजी था, लेकिन और बच्चों ने तो बोला 5 मार्क्स टफ था। पता नहीं, मुझे तो वही लगा इजी। आपको इजी लगा जी। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा टॉपिक बताइए जिसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, उसी पे पूरा फोकस रहा हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक से ज्यादा था। ऑर्गेनिक से ज्यादा पूछा गया है। देखो, सवाल रहा होगा कि बहुत ज्यादा टफ रहा होगा, कहां पे लास्ट होना है ऐसा कुछ? हाँ, और मैंने तो एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया 5 मार्क्स का। हाँ, मतलब वो तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बना इसीलिए तो छोड़ दी, बट दो बना वो इजी था एक। आपका नाम? सुप्रिया कुमारी। कितने मार्क्स होने का अंदाजा लग रहा है आपको? ये कैसे बोल सकते? केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आते हैं? केमिस्ट्री में 75 ऐसा कुछ आ सकता। 75? 70 मार्क्स के तो आपके पेपर ही होंगे। नो, टोटल होल मार्क्स। प्रैक्टिकल छोड़ के अगर बात करें, 70 में कितने मार्क्स आ सकते हैं? 55 ऐसा कुछ था। कौन से कॉलेज से? नाम क्या हुआ? CM साइंस कॉलेज दरभंगा। सुप्रिया कुमारी। क्वेश्चन मैंने अभी देखा है, कुछ बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और अभी जस्ट क्रॉस किए हैं,
तो उनका क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ा है, अगर हर चैप्टर को कवर किया है तो बैलेंस्ड क्वेश्चन था, इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं हो सकता है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में। हर क्वेश्चन मैंने देखा कि एनसीईआरटी बेस्ड था, जो बच्चे एनसीईआरटी को ढंग से पढ़े हैं 100% उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। सर, बच्चों का कहना था कि ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन था, जी जी, क्या लगता है कि बोर्ड ने इस बार पूरा ध्यान ऑर्गेनिक ही पे? नहीं, ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, वैसे भी ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा है। 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, उस 70 मार्क्स के एग्जामिनेशन में 23 मार्क्स होता है फिजिकल से, 19 मार्क्स होता है इनऑर्गेनिक से, और 28 मार्क्स होता है ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक का तो वैसे भी वेटेज ज्यादा है, तो ज्यादा क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। आप सीबीएसई बोर्ड इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है कि जिस चैप्टर का जितना वेटेज है क्वेश्चन उतने ही से पूछती है, लेकिन बिहार बोर्ड में इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता है। फिर भी क्वेश्चन बैलेंस्ड पूछा गया है, ज्यादा ऑर्गेनिक से नहीं कहा जा सकता है कि क्वेश्चन था, इसलिए कि 28 मार्क्स वैसे भी ऑर्गेनिक का वेटेज है। सर, कि इस बार के जो क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, उन्हें लेंथी क्वेश्चन नहीं लगा क्योंकि उन्हें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो क्या इस बार पैटर्न चेंज होने का कोई असर नहीं दिखा है? कोई असर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने तो पहले कहा कि बैलेंस्ड क्वेश्चन है, और ऑर्गेनिक से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि यूं तो हर चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 16 यूनिट है ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में, हर यूनिट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ऑर्गेनिक है उस ऑर्गेनिक को कवर करने के लिए 11th का ऑर्गेनिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर 11th का ऑर्गेनिक आपको अल्फ़ाबेट सिखाता है तो 12th में आप उसी अल्फ़ाबेट को यूज़ करके वर्ड बनाने जा रहे हैं, तो 11th का ऑर्गेनिक अगर नहीं होगा तो 12th में कमांड नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी केमिस्ट्री बिल्कुल इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है, एक चैप्टर दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर 11th के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो 12th को डायरेक्ट कोरिलेट करता है, जो स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा है 12th के केमिस्ट्री में उनको दिक्कत हो जाएगी, जो स्टूडेंट 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ रहा है वो 12th में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको समझने में वहां दिक्कत होगी, जो स्टूडेंट 11th का पीरियडिक टेबल ढंग से नहीं पढ़ा है, 12th का पी ब्लॉक है सबसे ज्यादा मार्क्स का है वो पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उस पर कमांड नहीं किया जा सकता है। तो सर, मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि इस बार का जो क्वेश्चन था उसमें बच्चे कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा अंक उठा सकते हैं, मतलब मार्क्स उठा सकते हैं, ऐसा कौन कौन चैप्टर था? इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखा है मैंने कि लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, ऑर्गेनिक से भी पूछा है, और फिर एटमिक स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट फर्स्ट यूनिट है उससे भी क्वेश्चन पूछा है। तो पढ़ना तो सभी है, बिहार बोर्ड में कभी किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देता है तो किसी से कम, इसलिए किसी को छोड़ देना और किसी पर ज़्यादा ध्यान देना ये मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि किस साल किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे, मैंने कहा ना कि बिहार बोर्ड में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है मार्क्स का जो पैटर्न है उस पैटर्न को, इसलिए हर चैप्टर बिहार बोर्ड में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, किसी से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता है, किसी से कम क्वेश्चन हो सकता है। सर, आखिरी सवाल, क्या इस बार जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ उसमें बच्चों को कितना अप्रॉक्स नंबर आ जाना चाहिए? इस बार का क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगता है कि 90% स्कोरिंग करेंगे वैसे बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है, मतलब 70 मार्क्स के हैं पेपर वो, प्रैक्टिकल छोड़ करके, तो क्या क्या तो 65 प्लस चला जाएगा। सर, अप्रॉक्स जो बच्चे कम पढ़ते हैं, जो लास्ट में गेस्ट पेपर मॉडल पेपर के भरोसे रहते हैं, वो बच्चे कितना, क्योंकि वो बच्चे भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी, हाँ क्वेश्चन इजी था, जिन्होंने रट लिया है, रट करके गेस पेपर से अगर रट करके या फिर किसी टीचर के नोट्स को रट करके जाकर के एग्जाम दिए हैं तो उनका भी नंबर अच्छा होगा, इसलिए कि क्वेश्चन आसान था। माई सेल्फ डॉक्टर MM आलम, डायरेक्टर आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।